टी20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की किस्मत ऐसी चमकी कि वो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं होता, बल्कि कई और चीजें भी भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में देखने को मिलती हैं। सबसे अहम चीज जो है वो है दोनों देशों के प्लेयर्स की संपत्ति। मौजूदा समय में पाकिस्तान के टॉप अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में तेज गेंदबाज शाहीन शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं। लेकिन कमाई और संपत्ति के मामले में पाकिस्तान के दर्जनों खिलाड़ी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के सामने पानी मांगते नजर आते हैं। विराट कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ के पार है, जबकि पाकिस्तान टीम के मौजूदा सभी खिलाड़ियों की संपत्ति को मिला दें तो भी विराट कोहली की बराबरी वो नहीं कर सकते। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में शुमार किया जाता है। MPL.live के मुताबिक विराट कोहली की कुल नेटवर्थ करीब $127 मिलियन, विराट की सालाना औसत कमाई करीब 15 करोड़ रुपए है, जबकि महीने भर में वो करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाते हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें तो द स्पोर्ट्स लाइट के मुताबिक बाबर आजम की कुल संपत्ति $5 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 40 करोड़ रुपए है। अगर मोहम्मद रिजवान की कुल संपत्ति की बात करें तो वी नाउ क्रिकेट के अनुसार 2022 में मोहम्मद रिजवान की कुल संपत्ति $5 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक है। संपत्ति के मामले में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाफरीदी कप्तान बाबर आजम से आगे हैं। वी नाउ क्रिकेट के अनुसार 2022 में शाहीन अफरीदी की कुल संपत्ति $7 मिलियन है, जो भारतीय रुपयों में 56 करोड़ से अधिक है। शाहीन अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक है। क्रिकेट के मैदान में तो भारत ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है, लेकिन संपत्ति के मामले में बाबर आजम जैसे 5-5 खिलाड़ी भी एक विराट कोहली के आगे नहीं टिक पाते। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल।